सच साहस सरोकार आपके साथ नंदिनी यादव। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल का 43वां दिन रहा। इस दौरान कार्यकर्ता एवं सहायिका लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में कार्यकर्ताओं को 10,000 तो सहायिकाओं को 5,000 की मानदेय बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से ही धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाई है। मैं सीमा मजूमदार जुझारू आंगनबाड़ी संघ की कोषाध्यक्ष हूँ और मैं आज के बजट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारे बहनों में खुशियों की लहर है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने हमारी मांगों को पूरा करके एक दिखा दिया कि उन्होंने उन्हीं का सरकार सर्वोत्तम सरकार है हमारे लिए और हम आगे भी उन्हीं का सरकार को लाएंगे। हम साथ साथ में कंधे से कंधा मिला के अच्छे से काम करेंगे। हम लोग 42 दिन से धरने पर बैठे थे, बिल्कुल सुबह से आते और शाम को 4 बजे घर जाते थे और भगवान से हमारे माँ से ही मानते थे कि हमारी जो वो है कामना है पूरा हो जाए माँ, फिर हम तेरी दरबार पे आएंगे, चरणों पे झूमते गाते बैंड बाजा के साथ आएंगे हमारा माँ। और आज सरकार ने हमारी मांग को पूरी कर दी। उस सरकार को हम जो भी अपने जो भी गलत शब्द बोले हम उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। और भूपेश बघेल को हम ये बोलते हैं कि इस बार फिर उन्हीं की सत्ता आएगी। भूपेश बघेल की बघेल जिंदाबाद। आज तोहफा मिला है उससे हम बहुत खुश हैं। हम पिछले 42 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, बहुत दुखी से बहुत परेशान थे और आज जो खुशी मिला है उसको हम बता नहीं सकते। खुशी से आंख से आंसू भी छलक रहा है और दिल से धन्यवाद निकल रहा है भूपेश सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद सरगुजा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि जब भी एम्स खुलेगा वो बिलासपुर में ही खुलेगा, तो वहीं सिंहदेव के इस बयान को लेकर भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के संगम चौक पर बाल मुंडन कर राज्य सरकार और टीएस सिंहदेव का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खोलने की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन देने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इससे अपनी सहमति जता दी थी, जिसके बाद सरगुजा में बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जो अंबिकापुर के विधायक हैं, इन्होंने कहा है कि यदि एम्स छत्तीसगढ़ में खुलेगा तो उसके लिए स्थान बिलासपुर होगा और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम इस बयान को लेकर के और इस निर्णय के बहुत ही विरोध में हैं। हमारा ये कहना है कि अंबिकापुर से आप विधायक हो, सरगुजा के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, लेकिन जब जब विकास की बातें होती हैं, जब जब किसी बड़े सौगात की बात आती है, आप अंबिकापुर को अनदेखा कर देते हो और सरगुजा को अनदेखा कर देते हो। सरगुजा संभाग में 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को फायदा एम्स के खुलने से होगा, जिसमें से जनजातीय समाज की बहुलता है और हमारे पास आवागमन के साधन भी नहीं है। यदि आवश्यकता है किसी को एम्स की तो हमारे अंबिकापुर को है, जिसे बिलासपुर संभाग के भी कई जिले लाभान्वित होंगे, सरगुजा संभाग लाभान्वित होगा। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारा राजपाट किया, वहीं कांग्रेस के साथ हमारा परिवार हर परिस्थितियों में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे भाजपा के लोगों से अच्छे संबंध है, लेकिन मेरी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती। पार्टी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ा ना चलाएंगे, भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ काटो, भाजपा ही कांग्रेसियों को मारेंगे, कांग्रेसी भाजपा को मारेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप अपने जगह रहिए। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो क्यों नहीं रहने चाहिए? वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा।
राजपाट गया। मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने लिया, हम लोग महाराज थे, महाराजा थे सरगुजा के, इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? कांग्रेस पार्टी ने। जमीन सीलिंग में किसने ली? कांग्रेस पार्टी ने। और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस लिया किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग का काम धंधा था किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें या अपने हित को देखें? अकलतरा के थाना परिसर में शांतिपुर होली मनाने शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में अकलतरा तहसीलदार जयश्री पथे सहित शहर और गांवों के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में लोगों से अपील की गई कि बिजली लाइन या विद्युत खंभों के नीचे होलिका दहन ना करें, होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और हरे भरे वृक्षों को ना काटें। इस दौरान बाइक में 3 सवारी चलने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। साथ ही आपसी भाईचारा स्थापित करते हुए होली मनाने का आग्रह किया गया। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र को लोग काफी आशाओं से देख रहे हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो 9 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी, मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दिया। जांजगीर में राज्य सरकार के बजट के बाद जिला के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस बजट में मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राशि की घोषणा की, जिसके बाद लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है और लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई, साथ ही जमकर आतिशबाजी की है। लोक लुभावनकारी बजट था। यहाँ तक बेरोजगारी की बात देश में पूरे चल रही है, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में 10,000 रुपये किया गया, कोटवारों को 6,500 रुपये किया गया और कोई भी ऐसा दिशा और दशा नहीं है जिस पर इनने हाथ नहीं रखा है। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं उनने लॉन्च की है और बहुत सी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था भी इस बजट में की है। बार बार जो हमारे विपक्षी हैं वो बार बार ये संशय व्यक्त करते थे शुरू दिन से, 2500 कैसे देंगे। जब 2500 देने की बात आई तो ऐसी बोला, ये बोला गया कि ये 19 लाख जो किसान हैं जिनको ऋण व माफ़ी की बात की, उसको हमेशा इन लोगों ने ये कहा कि हम एक आदमी का कृषक का ऋण माफ़ी नहीं हुआ। आज जाके आप पूछ लीजिए फील्ड में कितने लोगों का हुआ। भूपेश है तो भरोसा है, गांव शहर गरीब अमीर किसी को नहीं छोड़ा गया है। जैसे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 5,000 से बढ़ाकर 10,000, जहां तक के हमारे मितानिंद दीदी को अभी तक के किसी तरह की उनको प्रावधान नहीं था, उन लोग को 2200 रुपये महीना और हमारे कोटवार भाइयों को 6,000 महीना और इस तरह से हर क्षेत्र को वो बैलेंस किया हुआ। और ऐसा बजट ना तो कभी आ सकता है ना पहले ना कभी आया है, तो ये बजट बहुत ही अच्छा बजट। भूपेश काका के द्वारा जो आज अंतिम चुनावी बजट पेश किए गए हैं वो वास्तव में देश के छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के भरोसा के बजट साबित होते। और ये बजट में चाहे लड़का जवान सियान किसान मजदूर श्रमिक होमगार्ड सफाई कर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के हर वर्ग के बारे में उमा पूरा उमन के व्यवस्था नजर आ था भाई। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश किया है, ऐतिहासिक बजट है और ख़ासकर जांजगीर चांपा के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की है उससे जांजगीर चांपा जिले के पूरे वासी हर्षित हैं और बजट में अन्य वर्गों के लिए खासकर कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से प्रावधान भूपेश बघेल जी ने किया है,
मैं तो बजट सत्र की यानी कि शुरुआत से ही भूपेश सरकार पे भरोसा है, ककर है तो सब मुमकिन है। इसी को मानते हुए मुझे आभास था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कुछ न कुछ यह भूपेश सरकार अच्छा सोचेगी, और मेरा अंदेशा सही साबित हुआ क्योंकि मैं भी एक आंगनबाड़ी पोषित परिवार से हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और इनकी वेतन वृद्धि से मुझे काफ़ी यानी कि हर्ष हुआ, क्योंकि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं सहायिकाएँ हैं काफ़ी मेहनत करती है, और पूरा यानी कि डाटाबेस का काम उन्हीं लोग के द्वारा संचालित होता है, और इससे सरकार की जो ज़रूरत है डाटा के आधार पर वो सरकार को प्रॉब्लम हो जाती है। निश्चित रूप से आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता होली मना रही होगी। आज हम लोग जैसे ही अभी बजट सत्र लाइव देख रहे थे, हर वर्ग का ध्यान बघेल जी के द्वारा रखा गया है, युवाओं से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर। हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो सौगात दिया गया था उसको बजट में किया गया, जल्द से जल्द जांजगीर ज़िले में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा। इससे पूरे जांजगीर की जनता खुश है, और हम लोग पूरा युवा लोग भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बजट सबके लिए भूपेश बघेल जी ने पेश किया। सुंदर बजट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नया कर का प्रावधान इनके द्वारा नहीं किया गया है, एवं सभी वर्गों को लेकर इनके द्वारा जो है ध्यान रखकर बजट को पेश किया गया है। लोक लुभावनकारी बजट था। सरायपाली में जन विश्वास सेवा समिति महासमुंद से संचालित जिले की एकमात्र दृष्टि एवं श्रवण बाधित दिव्यांग स्कूल उड़ान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीईओ, थाना प्रभारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवियों ने दिव्यांग बच्चों के साथ होली खेलकर बच्चों में एक नया रंग भरने का प्रयास किया। साथ में कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समारोह की संचालिका ने वहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया। रायगढ़ में पुलिस ने होली से पहले एक बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में दो तस्करों से शराब का जखीरा जब्त किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 18 पेटी देशी शराब और ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। दोनों आरोपी जूट मिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले एक माह में 507 गिरफ्तारी वारंट और 22 अस्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक उपलब्धि है, और हमारी तरफ से पूरी टीम को भी शुभकामनाएं बधाई दी हैं कि और भी पुरस्कृत भी किया गया है उसे, ताकि इस कार्रवाई लगातार यह कार्रवाई जारी रहे। सूरजपुर में ग्रामीणों ने हल्का पटवारी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बात भी कही है। ग्रामीणों ने हल्का पटवारी पर आरोप लगाया है कि वह अनैतिक रूप से राजस्व कार्य करने की पैसे की मांग करती हैं, वहीं पैसा नहीं देने पर लोगों को परेशान करती हैं। वो अपने घर से ही सारे राजस्व कार्यों का संचालन करती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस बात की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र में पटवारी हैं जो किसान लोग हैं, उनका अवैध वसूली करते हैं, नामांतरण पे करते हैं और बंटवारे भी करते हैं। अवैध असूली कर रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए तो बंटवारा करेंगे। लोग प्रयास करते रहते हैं कि वहीं पे सुलझ जाए, पैसा सुलझने का समस्या लास्ट ऐसा हुआ कि हम लोग आना पड़ा यहाँ पे। अभी हमारे भाईजन यहाँ खड़े हैं, उन्होंने बताया कि जब शासन प्रशासन तब से उनको पैसा मिल रहा है, शासन से मिल रहा है पैसा, तो फिर अलग से मांग क्यों करती है? अगर ग्रामीण जन कुछ भी काम को लेकर, अपना जमीनी काम को लेकर किसके पास जाएगा? पटवारी के पास जाएगा, लेकिन वो आनाकानी करती है, उस काम को करने से इनकार करती है और बदले में रिश्वत लेती है। ये पचीरा गांव के कुछ लोग जो थे अभी पटवारी से संबंधित शिकायत लेके आए थे, इसमें कुछ मतलब कि व्यवहार को लेके तहसीलदार की भी शिकायत थी, तो हम लोगों ने इनका ज्ञापन लिया है और हम लोगों ने इनको आश्वस्त भी किया है कि अगले 15-20 दिन में और एक महीने में हम लोग निश्चित रूप से वहाँ से वो करेंगे, सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप शिविर हम लोग इस बीच में वहाँ गांव में रखें, ताकि प्रशासन के लिए जो उनका एक जो एक रवैया है उसमें सुधार हो सके, प्रशासन के लिए उनका जो विश्वास है वो बढ़े।
गिरफ्तारी में पुलिस ने मोटरसाइकिल पर लाखों रुपए की मादक पदार्थ ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सारंगगढ़ में सरायपाली की ओर से रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर सारंगगढ़ रोड से सरायपाली की ओर आने वाले हैं। आरोपी के पास से 1,20,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। कवर्धा में पुलिस को बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि लगभग 5 क्विंटल गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें वहीं कोतवाली पेट्रोलिंग द्वारा वाहन में चेकिंग की गई, जिसमें आरोपियों ने चालक बोरी 15 बोरी मुर्गी दानों के बीच 5 क्विंटल गांजा छुपा कर ले जाते पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिला था कि उड़ीसा तरफ से ग्राम बुंदा की ओर अवैध मादक पदार्थ परिवहन की सूचना है। सूचना मिलने पर अधिकारियों का वार्ड करा कर तत्काल रवाना हुआ बुंदा। घेराबंदी कर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल में पकड़े, जो प्लास्टिक बोरी में सफ़ेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 12 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे मिला, जिसे NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अकलतरा में अवैध शराब परिवहन करने वाला एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के कब्जे से देशी शराब और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिसके बाद आरोपी रमेश कुमार को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। वहीं थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली है, निवासी रमेश कुमार अपने मोटरसाइकिल में अवैध कच्ची शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने आरोपी को ब्लॉक ऑफिस के पास से घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया। थाना कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि नए मंडी के पास में, जो कि बिलासपुर रोड में स्थित है, वहां पर एक टाटा 15-12 वाहन खड़ी हुई है और कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही है। साथ ही उसके साथ में जो ड्राइवर और परिचालक है, इनकी भी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए थाने की पेट्रोलिंग स्टाफ वहाँ पर मौके पर पहुँचा था और पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए थे उसके आधार पर थाना कोतवाली उनका पूरा स्टाफ वहाँ पे उपस्थित होकर उनसे पूछताछ की। थाने पे गाड़ी लाई गई और इसमें यह ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन में लगभग 5 क्विंटल गांजा है, जो कि अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था और जिसकी कीमत अनुमानित 50 लाख के आसपास है। सरायपाली में आगामी होली को त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे पर रोक लगाने का काम कर रही है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर की सूचना मिला, एक युवक मोटरसाइकिल डिस्कवर में प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन की बिक्री को लेकर उड़ीसा की ओर से सरायपाली की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस स्टाफ रवाना होकर पदमपुर रोड अर्जुंडा चौक के पास पहुंचा, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का उद्घाटन किया। नवनिर्माण मेडिकल कॉलेज का काम जारी है, वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेहतर सुविधा मिल सके इसके लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का भूमि पूजन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया, जहाँ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण 12,64,00,000 रुपए की लागत से किया जाना है। इस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के बन जाने से संभाग के लोगों में इसका लाभ मिल सकेगा, साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी लोग इलाज करवाने आएंगे। मामला सही है, उड़ीसा का रहने वाला है। आरोपी का नाम है सनम उर्फ अनवर मोहम्मद, पिता सईद मोहम्मद, उम्र 28 साल, साकिन देवली, पोस्ट ऑफिस मेहुलपाली, थाना पदमपुर, जिला बड़गढ़, उड़ीसा का रहने वाला है, जो एक डिस्कवर मोटरसाइकिल में 200 नग नशीली इंजेक्शन, प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन लेकर के पदमपुर से सराय की ओर आने की मुखबिर सूचना पर अर्जुंडा चौक सराय पाली के पास
संदेही को रोक कर तलाशी लिया, जिसके मोटरसाइकिल के हैंडल के कपड़े के थैला के अंदर दो पॉलीथीन में प्रत्येक में 100 नग पेंटाजोनिक इलेक्टेड एस इंजेक्शन जो प्रतिबंधित है, वही इंजेक्शन इनके जेब थैला से बरामद हुआ है। आरोपी को विधिवत कार्रवाई करते हुए 21 NDPH के अंतर्गत गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। महासमुंद के मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी में चावल लोड हो रहा था, जिसके बाद मालगाड़ी को काकेनाड़ा जाना था। चावल भरते समय केशव बादे उसी मालगाड़ी के डिब्बे में रह गया। रेलवे विभाग के कर्मचारी मालगाड़ी लोड होने के बाद डिब्बे को सील कर काकेनाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया। दरअसल मालगाड़ी बागबाहरा स्टेशन में रुका था, जिसकी सूचना गार्ड और ड्राइवर को दी गई। रेलवे विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। जो युवक अंदर बंद था वो भी रेलवे ठेकेदार का कर्मचारी है। 8 घंटे बंद रहने के बाद उसे बाहर निकाला गया। कोरोना जैसी विश्व की विविधता के बीच जब बेड की कमी हुई थी, तो कुछ प्रकार की तीव्रता वाले या घातक संक्रामक बीमारी से इलाज के लिए जो बेड की आवश्यकता होती है, उसकी तैयारी स्वरूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह अवधारणा की गई कि इस मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड का अस्पताल, 100 बेड युक्त अस्पताल प्रारंभ किया जाए, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हम 50 बेड का क्रिटिकल केयर खोलने जा रहे हैं, जिसमें वेंटिलेटर से लेकर अत्याधुनिक मशीनें होंगी। महासमुंद के मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी में चावल लोड हो रहा था, जिसके बाद मालगाड़ी को काकेनाड़ा जाना था। चावल भरते समय केशव बादे उसी मालगाड़ी के डिब्बे में रह गया। रेलवे विभाग के कर्मचारी मालगाड़ी लोड होने के बाद डिब्बे को सील कर काकेनाड़ा के लिए रवाना कर दिया। दरअसल मालगाड़ी बागबाहरा स्टेशन में रुका था, जिसकी सूचना गार्ड और ड्राइवर को दी गई। रेलवे विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। जो युवक अंदर बंद था वो भी रेलवे का ठेकेदार और कर्मचारी है वहां पर। आपको बता दें, 8 घंटे बंद रहने के बाद उसे बाहर निकाला गया। मैं मालगाड़ी में कल रात में 11-12 बीच में मैं सो रहा था। मेरे आदमी को बोला हूँ मैं कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, आप लोग जगा देना। हाँ। उन लोग नहीं जगाया, नशा पत्ती में उन लोग बंद कर दिया दरवाजे पे। हाँ। मैं यहाँ बागबाहरा में आया हूँ, तो छेदा था बोगी के अंदर, वहाँ से एक लेडीज दिखाई दिया मेरे को, तो वहाँ से आवाज़ मारा तो लेडीज मेरे को खोलवाया, कोई पब्लिक को बुला के बाहर निकाला। यहाँ हम लोग आए थे स्टेशन में, तो वो कुछ आवाज आया, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है बोल के थोड़ा जानकारी किए, तो आपके वहीं से बोगी से आ रहा था आवाज़। तो उसके बाद क्या है, ये कोई आदमी फंसा हुआ है बोल के आके इतला किए स्टेशन मास्टर को, और उसके बाद जो ड्राइवर है इंजन चलाते हैं उसको भी इतला किए। उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद जाके खुलवाए, उसके बाद उसके जान बचे। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर।